नमस्कार हमारे ओबरा के सभी भाई बंधुओं को। देखिए आपके बीच सोनभद्र स्नैक मैन रिक्की चंद्रा, हमारे छोटे भाई भी हमारी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए सांपों को हम लोग आज़ाद करने के लिए आए हैं और ये घना घनघोर जंगल है। सांपों को हम लोग ऐसे जगह छोड़ते हैं जहाँ घर द्वार किसी का आसपास ना हो, किसी को कोई हानि ना पहुँचे। ये देख लीजिए ये कोबरा नाग है, इसकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, है ना। ये कितना डेंजर है, ये जिसको काटेगा हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं देगा। और कभी भी सांप काटता है तो इसका बचाव कैसे किया जाए मैं दिखाऊं, कहाँ है भाई वो मेरा वो, ये देख लीजिए। अगर ये ऐसा सांप कभी किसी को काटता है तो ये देख लीजिए, ये इंजेक्शन लिए रहिए। सांप जहाँ काटता है वहाँ पे काला हो जाएगा, दांत का निशान हो जाएगा काला। जैसे ये देख लीजिए मेरे यहाँ पर कोई काला निशान है, ये देखिए। ऐसे इंसान पे, ऐसे जो है कि निशान पे आप हल्का सा चीरा लगा करके थोड़ा सा वहाँ से ब्लड निकालिए और ये देखिए ऐसे पकड़िए, ये इसमें देख ऐसे करके एक मिनट, ये देख सकते हैं आप हाथ को अच्छी तरह, इसमें कितना पावर है ये देखिए। ऐसे कीजिए जहाँ काटा है जिस इंसान पे, हल्का सा चीरा लगा करके ऐसे चुपकाइए और ये देखिए कितना पावर ले रहा है। जहर आपका पूरा निकल गया सांप, ये तुरंत तत्काल इलाज इस तरीके से होता है, ठीक है ना। हल्का वहाँ चीरा निकाल करके बकायदे वहाँ से ब्लड निकाल के थोड़ा वहाँ ये चिपका दीजिए। जैसे ये आगे का मुंह जो होता है यहाँ से आप काट दीजिए और ये वाला सिस्टम होता है आप आगे लगाएंगे, ठीक। आगे का मुंह ये काट करके यहाँ से निकाल करके आप ऐसे कीजिए, ऐसे ये उल्टा लगाइए, ऐसे लगाएंगे चिपक जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए इस तरीके से। और इसको खींचेंगे जहर आपका तुरंत तत्काल बाहर निकल जाएगा। 99% क्या 100% चांस रहता है तत्काल उपाय में। अब ये देखिए कई तरीके के मेरे पास सांप हैं, इसको बोलते हैं ग्रिंड चेकल्ड, ये है। ये स्मेल बहुत करता है, इसको पकड़ने का मतलब तुरंत तेज़ी से हाथ धोएं, वरना इसकी बैक्टीरिया हाथ में लग जाएगी तो हाथ में खुजली घाव कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, घोड़ा पछाड़ सांप, घोड़ा पछाड़ धामिन, ये देख लीजिए। हाँ कहाँ गई ये देखिए, मिक्की इसको पकड़ो, ऐसे करना छोड़ना मत, ठीक है ना। कुछ नहीं करेगी वो, ऐसे करते रहेगी, पकड़ लो कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है ना। और ये घूमती इसलिए है क्योंकि इंसान हमें छोड़ दे। और ये देखिए इसे कहते हैं घोड़ा पछाड़ धामिन, ये छटकती बहुत तेज़ी से है, देख सकते हैं इसको आप। इसे बोलते हैं घोड़ा पछाड़ धामिन, इसकी रफ्तार एक घोड़े बराबर होती है, देख लीजिए कैसा होता है इसका। कहते हैं घोड़ा पछाड़ ध्यान देखिए। अब मैं सोचा जिसको बता सकते जल्दी आओ, एक और है देखिए, दोनों को आप देख सकते हैं घोड़ा पछाड़ धामी इसका नाम है। इसकी लंबाई इतनी बड़ी होती है कि इसको देखने में ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। इसमें जहर नहीं होता है, ये इतनी तेज़ी से वार करती है कि इंसान का हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान उनसे डर के मर जाते हैं। इसमें जहर नहीं होता है और इसको आप लोग कृपया बचाने की ही कोशिश कीजिए, यहाँ रहा कीजिए, इसको आप लोग मारने की कोशिश ना करें, ठीक। ये घर में भूले भटके आते हैं कि चूहा हुआ खाने के लिए आते हैं, और ये हमारे किसान मित्र सांप भी हैं, ये देख सकते हैं इसको आप। और कुछ हिम्मती बना करो, नॉर्मल सांप पकड़ कर कम से कम जानकारी रखो अपने पास। ये देखिए छोटा भाई हमारा ये पकड़ लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, करो मरे दंडी पकड़ती है, ठीक ना। हम है इसी सांप से कम सीखने को मिलेगा छोटे भाइयों लोगों को, पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे पकड़ो ना बस, ये देख लीजिए एकदम मटर ना, चलो देख लीजिए ऊपर ऊपर,
कम से कम इन भाइयों का भी, छोटे भाइयों का भी डर निकले ऊपर और ऊपर। वो लपक रही है, ऐसे लपकती, भागने के लिए लपकती है, देखो देख रही, भागने के लिए लपकती है ये है। और इसमें सोचती हूँ कि इसको छोड़ दूँ, ये निकल जाए, इस पर नहीं जा पाएगी, ये चली जाएगी। इसको पेड़ पे छोड़ देते हैं हम लोग, पेड़ पे सनसनाते हुए निकल जाएगी ये। ये देखिए वहाँ, देखिए उधर देखिए, ये निकल गई, पेड़ पर चली जाएगी अपना। और ये किसको है, इसको यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ 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 इसको, ये भी जाएगी पेड़ पे। चलो नीचे की जाएगी भैया, छोटा है ना ये, निकल जाएगी अपने रास्ते। ठीक है, इसका नाम है ग्रिन चेकर्ड, ये खड़कता ही बहुत तेजी से है, ध्यान से आप देख सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं ग्रिन चेकर्ड, ये काटने में भी बहुत तेज है। ये देखिए आपके सामने इस कोबरा नाक को छोड़ने वाला हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये खोलते ही अटक करता है, इसीलिए हमेशा इससे सावधानी रखते हैं खोलते वक्त, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है, जो इसको दूध पिलाता है उसको भी डस देता है। भोलेनाथ जी का अच्छा दारी नाग है। बैठ किलो बढ़िया, मोबाइल सीधा किए रहो, टेढ़ा मत करो, नीचे ऐसे बैठ जाओ, वहीं पे ऐसे बराबर लो मोबाइल, बैठ के भैया का भी आना चाहिए। ये कोबरा नाग है, ये मौका पाके कब चौका मार दे कोई भरोसा नहीं, थोड़ा घूम करके थोड़ा तुम जान लो यार, बढ़िया से देखिए, प्योर कंठ वाला सांस है, पानी लाने जरा पानी। जूम करके लोग बढ़िया तरह जूम करके, एकदम जूम लो, आ रहा फ्रंट पे। इसे कहते हैं कोबरा कंठ वाला।